जब से इस नाटक की रिहर्सल शुरू हुई है तब से खाना बनाना तो भूल ही गया हूँ, और भूलने से याद आया कि मुझे अभी तक अपने डायलॉग याद नहीं हुए हैं, और अपनी स्क्रिप्ट को हाथ में ही लेकर डायलॉग याद करते हुए निकल जाता हूँ और जंक्शन के बाहर पहुँचते ही एक भैया से लिफ्ट लेता हूँ। तो दोस्तों यार भैया ने यहाँ उतार दिया, फिर से दूसरी सवारी का इंतजार है। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक भैया से फिर से लिफ्ट लेता हूँ और भैया ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ तक जाऊँ, और मेरे बताने के बाद भैया मुझे थिएटर तक छोड़ने आए। तो भाई ने पूरा हमारे मंजिल तक हमें उतारा है। और आज भैया की वजह से मैं थिएटर 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं और अभी तक कोई भी नहीं आया है। अंदर जाकर देखता हूं तो नन्हे भैया खाना खा रहे होते हैं। मैं जा रहा हूं अभी चाय पीने, जब तक ये लोग आएंगे डायलॉग से याद कर लूंगा, चाय पी लूंगा, है ना। चाय वाले भैया के पास पहुंचकर एक गर्मा गर्म चाय पी रहा होता हूं कि सामने एक गाड़ी पर नजर पड़ती। तो यार मैंने सोचा फोटो शूट करूंगा जाके, तो मैम आ गई और मैम के साथ नवाबगंज के प्रिंस भी आए, तो हम तीनों लोग आ जाते हैं ऊपर ऑडिटोरियम में।